नमस्ते सस्रीकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे इस न्यू मून का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे, उनके एक्शंस पे क्या डिफरेंस आएंगे, और you know, आपके लव रिलेशनशिप में क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यू मून का, हम ये चेक करेंगे। न्यू मून है आज, और आप लोग ज़रूर से रिलीज़ कीजिए जो भी चीज़ें आप लोगों को परेशान कर रही हैं। या तो वो आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बिहेवियर्स हो सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ें आप लोगों को परेशान कर रही हैं उनको रिलीज़ कीजिए। कर्मा हीलिंग कीजिए इस टाइम पे, और मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को जो आप चाहते हो। ठीक है, बेसिकली न्यू मून में रिलीज़ किया जाता है चीज़ों को, और मैनिफेस्ट किया जाता है जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ से। सो ज़रूर यूटिलाइज़ करें इन दिनों को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दिन। एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, और बहुत फ्लक्चुएशन भी होता है इस टाइम पे। बहुत लोग अभी लो वाइब्रेशन में होंगे, या फिर बहुत लोग जो बहुत बैलेंस थे वो भी बहुत लो वाइब्रेशन में होंगे। बहुत रोना, बहुत यू नो इमोशनल पर्जिंग फील हो रही होगी आपको। सो ये सब होता ही है क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई रहते हैं। तो इस टाइम को ज़रूर से यूटिलाइज़ करें, इनको वेस्ट ना करें, इन सारे इंपॉर्टेंट डेज को। ओके, सो हम देखेंगे आज आपके पार्टनर की फीलिंग कि क्या उनके एक्शंस में, उनकी फीलिंग्स में क्या कुछ असर पड़ रहा है इस न्यू मून का। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो हम देखेंगे मूनोलॉजी कार्ड से कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस न्यू मून के बाद। मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, ऐसे में दो दिन हीलिंग करती हूँ तो ठीक हो जाती है। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंसर्न। बहुत सारे कमेंट्स में थे कि आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है। मैं अच्छी हूँ अब, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस हैं इस न्यू मून के, लाइफ सिचुएशन क्या है डिवाइन उनकी। वन मोर टाइम प्लीज़। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्लैरिफाई करेंगे इसको हम। ठीक है, फीलिंग्स, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोग यहाँ पे अपने पास्ट से निकले नहीं है, या तो आप लोग या तो आपके पार्टनर। ठीक है, अभी भी पास्ट को होल्ड ऑन करके रखे हैं कि यू नो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ब्यूटिफुल। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। दो कार्ड्स आ गए। अ पर्सन इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो अभी भी प्राइड कहीं अच्छा लियो है। ओके लियो तो यू नो क्या बताऊँ, प्राइड में रहेंगे ये, है ना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, लाइफ सिचुएशन में एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड क्यों है डिवाइन? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का ईगो अभी तक नहीं गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी कुछ लोग ईगो में ही हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर ईगो में ही हैं। अभी भी प्राइड अभी भी नहीं गया है, अभी भी हीलिंग नहीं हुई है पूरी, इसलिए एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है कुछ लोग। ठीक है, या फिर इस न्यू मून में ईगो वगैरह जो है ना, अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं वो सरफेस हो रही हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड क्यों है डिवाइन यहाँ, प्लीज़ क्लेरिफाई। वन मोर टाइम प्लीज़। किंग ऑफ कप्स, देखिए ये इंसान जो है ना प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, नो डाउट। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं प्यार करते हैं, बस ये बोलेंगे नहीं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको लेकिन ये बोलेंगे नहीं। एक बैलेंस चाहते हैं ये इंसान। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड मतलब एडजस्टमेंट चाहते हैं ये, लेकिन खुद से करने के लिए ये रेडी नहीं है। मतलब
कभी रेडी होते हैं फिर कभी अपने आप को रोकते हैं, फिर कभी रेडी होते हैं फिर कभी अपने आप को रोकते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं दो स्टेप पीछे आते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। देखिए मिसिंग एनर्जी है, इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक रिबर्थ चाहते ज़रूर है ये इंसान, ठीक है, एक सेकेंड चांस, एक रिबर्थ ज़रूर चाहते हैं, एक क्लियरिटी ज़रूर चाहते हैं जो कि इनको नहीं है। ओके, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, ब्यूटिफुल, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं लेकिन इनको यू नो एडजस्ट करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है इस न्यू मून में, इस इंसान की एनर्जी जो अगर आप पूछोगे मुझसे तो वो मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन यू नो क्या चाहते हैं, लाइफ सिचुएशन क्या है कि ओवरऑल इनके लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत है। तो सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि इनके साथ जो भी रिलेशन, जो भी रिश्ते जुड़े हुए हैं ना, वहाँ सब में इनको एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इनको एडजस्ट करना चाहिए अपने रिश्तों के साथ, आपके साथ, और सारी चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये इंसान कैसे हैं, प्यार तो बहुत है आपके लिए इनके मन में, ठीक है, किंग ऑफ कप्स मींस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये इंसान अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर दबा के रखते हैं, बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इनकी एनर्जी देख के आपको लगेगी भी नहीं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। सो आप कंफ्यूज रहोगे कि यू नो आपको कहीं ना कहीं इनके आंखों में प्यार दिखेगा या फिर इनके एक्शंस में प्यार दिखेगा, लेकिन ये बोलते नहीं है। तो दो जो चीज़ें हैं ना, दो सिचुएशन जो है ना, आपके लिए बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार ये इंसान प्यार करते हैं, दिखता है, कहीं तो फील होती है मुझे, एक एनर्जी फील होती है, और ये बोलते नहीं है। सो आप कंफ्यूज होते होंगे कि क्या है आखिर, मामला क्या है, ठीक है। तो आप इनकी एनर्जी को देखिए, आप कंफ्यूज रहते हैं, ये इंसान बोलेंगे नहीं, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, बोलते नहीं है कुछ भी इंसान, ये आज भी आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो चलो बहुत बैलेंस थे न्यू मून के पहले, अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है और बार बार आपका मन कर रहा है कि अपने पार्टनर से आप बात करें, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको एनर्जेटिकली पुल करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये एनर्जेटिकली आपको पुल करने की कोशिश करेंगे, तभी भी आप चल अगर जाओगे ना इनके पास तो भी इंसान एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आप कन्फ्यूज होंगे कि यू नो आपको लग रहा था कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक वाइब्रेशन हमें भी आती है, एक एनर्जी हमें भी फील होती है कि ये इंसान बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आप जाओगे बात करने के लिए तो ये बात नहीं करेंगे आपसे, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, सो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है इनकी, ये प्यार बहुत करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मैनिफेस्ट जरूर करेंगे, बैलेंस जरूर चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं बहुत चीज़ों को, लाइक बहुत इनके अंदर अगर कुछ नेगेटिविटीज हैं, कुछ ऐसे एक्शंस इनके रहे हैं पास्ट में, तो वो सब चीज़ ये कंट्रोल करना चाहते जरूर हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं, चाहते हैं करते नहीं हैं। सो हम कहते हैं ना कि फीलिंग्स और इंटेंशन दोनों अलग होते हैं, तो इनके फीलिंग्स कुछ और रहते हैं, इंटेंशन कुछ और रहते हैं, एक्शन कुछ और रहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो ओवरऑल इनके लाइफ में या तो कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है जहाँ इन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, देखिए या तो चीज़ें सही नहीं चल रही है जहाँ की यू नो या तो चीज़ें नहीं ठीक चल रही है जहाँ इन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है और ये नहीं कर रहे हैं। सो ओवरऑल इनके लाइफ में एनर्जी इनकी ऐसी है, अलग रिश्तों के साथ भी, जहाँ यू नो करियर फाइनेंस में भी, जहाँ पे इनको एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट करने चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए इंसान जो है रेडी नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो कि इनसे ये सब करवा लेते हैं, ठीक है। सो आपको समझना होगा ये चीज़, अगर आप इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो, अदरवाइज मूव ऑन कीजिए, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं है कि जो इंसान आपको इसके इनके बाद मिलेंगे वो परफेक्ट होंगे, वो भी शायद ऐसे ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। फीलिंग्स इनकी क्या है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। इनको लगता है कि ये ऐसा प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, भले आप बात करो नहीं बात करो, आप दूर रहो, आप कहीं भी रहो, लेकिन ये प्यार ख़त्म नहीं होगा, ये इनको पता है, ठीक है। लेकिन मे बी पास्ट में कोई चीटिंग की एनर्जी थी जो या तो आपने होल्ड करके रखी है या तो उन्होंने पकड़ के रखी है अभी तक, ठीक है, और अभी तक लटके हैं वहाँ, मतलब वहाँ से निकलना चाहते हैं, थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, थोड़ी सी हीलिंग करते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं और फिर वहीं अटक जाते हैं। तो आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि ख़त्म नहीं होगा। सो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं ये इंसान, या तो इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ऐसा लगता है इनको। और इनको ऐसा लगता है कि भले आप बात करो चाहे नहीं करो, भले आप कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, आप यूनियन में हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप हमेशा कनेक्टेड ही हो इनके साथ, आप ये नहीं ख़त्म होने वाला प्यार है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे, यू नो ये इंसान आपको बहुत ट्रिगर किए होंगे और आप इनको बहुत ट्रिगर किए होंगे। यहाँ पे मुझे कोई चीटिंग एनर्जी भी दिख रही है, या तो आपकी तरफ से या तो इनके तरफ से हुई होगी पास्ट में, और उसी चीज़ को पकड़ के या तो आप या तो आपके पर्सन बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है
वो इस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि किस तरह से आपके पास जाएं, या फिर जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ चीट किया है और जिनका जवाब इनके पास नहीं है। सो अगर आप पूछोगे क्वेश्चन आंसर कि क्यों किया था, क्या हुआ था, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। तो इसलिए इंसान जो है चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब चाहते ज़रूर हैं लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बंधे हुए इनके हाथ पैर और ये चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है पास्ट में ही है। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको माफ़ भी कर दिया होगा, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि अपने पार्टनर को माफ़ कर दिए हैं, बट ये इनको ऐसा लगता है कि गिल्ट की एक एनर्जी की, मतलब क्या आके बोलेंगे ये जब आप पूछोगे तो ये क्या जवाब देंगे आपको। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ कि ये आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एक हायर कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कैसे जाएं, क्या होगा, क्वेश्चन आंसर कैसे, जवाब कैसे देंगे आपके क्वेश्चंस को, कैसे फेस करेंगे आपको, ऐसी एक दिक्कत इनकी दिख रही है और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके आपसे ये क्या चाहते हैं इंसान, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। ये चाहते हैं कि आप इनको क्विट मत करना, इनको छोड़ना मत, इनको छोड़ के आप आगे मत बढ़ना, लेकिन मैं ये बोलूँगी, मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी जहाँ पे लिखे थे 13 ईयर्स हो गए हैं वेट करके और अभी तक ये नहीं आया। मतलब सच में बता रही हूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये सब पढ़ती हूँ जब कमेंट, तो मुझे चक्कर आ जाते हैं कि 13 ईयर्स आप वेट कर रहे हो किसी इंसान का और आपको अभी लग रहा है कि वो इंसान आएंगे। देखिए आते ज़रूर हैं, 13 ईयर्स के बाद भी आते हैं, ठीक है, बट इतना अगर आप वेट कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपका इतना पेशेंस है कि आप इतना वेट कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वहीं स्टक आप हो जाएंगे तो फिर वो इंसान नहीं आएंगे। आप अपने लाइफ में आप आगे बढ़िए, जिनको आना होगा वो आपके साथ ज़रूर आएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे, जिनको नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए किसी के लिए, है ना। टाइम प्लीज, ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपसे चाहते हैं कि बहुत क्लोज़ हैं आप लोग यूनियन के, ये आपसे चाहते हैं गिल्ट में है ये इंसान मैंने कहा ना कि ये आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं, ये करना चाहते हैं यूनियन, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि गिल्ट की एनर्जी में। ये इनको पता है कि आप तकलीफ़ में हो, अगर आप दूर हो इनसे तो आप तकलीफ़ में हो, इनको पता है अच्छे से। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, ये इंसान प्रोवाइडर बनेंगे, ये इंसान आएंगे, ये इंसान एक्शन लेंगे और एक प्रोवाइडर बनेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे ये इंसान, बस इनको टाइम चाहिए, ठीक है। अब कितना टाइम चाहिए ये तो जब ये आएंगे तभी पता चलेगा कि कितना टाइम लेके ये इंसान आ रहे हैं, लेकिन इनको टाइम चाहिए। तो ये आपसे ये चाहते हैं कि आप बहुत क्लोज़ हैं, मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हट रहे हैं और इनको भी एक फीलिंग्स फिर से आ रही है, इनको भी रीयूनियन का जो रास्ता है वो दिख रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप जो है कुछ ना करें, आप इस रिश्ते पर बने रहें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इनके साथ। You and your loved ones are safe. Oh my God. So yes. देखिए justice की energy है यहाँ पे, late से होगा justice लेकिन होगा ज़रूर। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, passionate इनकी energy है अभी की, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है आपका प्यार अब नहीं है इनके लिए, ख़त्म हो गया है। So इनको एक justice चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि सही हो चीज़ें, मतलब आपके साथ भी इंसान सही करना ज़रूर चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ खुश नहीं हो। सो पास्ट में कुछ आपने ऐसा बोला होगा कि आप इनके साथ खुश नहीं हो, या फिर आपकी ज़िंदगी इनके साथ बर्बाद हो रही है, जैसे हम गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, राइट। तो ऐसी कुछ आपकी बातें हैं जो ये पकड़ के रखे हैं, या तो आप ऐसा बोलते होंगे कि आपके चलते ये कहीं आप इनके चलते आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पे आपका फोकस नहीं है, ऐसा कुछ आपने बोला है जो कि इंसान पकड़ के रखे हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ खुश नहीं हो, इसलिए जो है अपने प्यार को ये इंसान होल्ड करके, मतलब फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने प्यार को सप्रेस्ड कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव बहुत हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, हार्ट चक्र जैसे ब्लॉक करके रखे हैं, जैसे कि दरवाज़ा खोलना ही नहीं है, ऐसी एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है वो आपके लिए सही नहीं है, इनकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, इनको ऐसा लगता है। हालांकि आप इनके लिए लकी हो, आप इनके लाइफ में एक रोशनी लेके आते हो, इनको ये सब ज़रूर लगता है, लेकिन इनकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप इनके साथ
यूनियन में रहते हो तो आप बहुत स्टक रहते हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो रहती है। अब जब सेपरेट होते हो आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, आपका चेहरा अलग हो जाता है, यू नो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। लेकिन जब आप इनके साथ यूनियन में आते हो आपका सब कुछ लो हो जाता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपका चेहरा डल हो जाता है, आप एक लोअर वाइब्रेशन में रहते हो, हमेशा चिड़चिड़ करना, हमेशा फाइट करना, हमेशा इनके कॉल मैसेज का वेट करना, और फिर यू नो इस तरह की जो एनर्जी आपकी रहती है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, या फिर ये इंसान की जो पैशनेट एनर्जी है वो आपके लिए सही नहीं है, ये प्यार आपके लिए ऑब्स्टिकल है, आपकी ज़िंदगी के लिए ऑब्स्टिकल है, आपकी खुशियों के लिए नहीं है, मतलब आप खुश नहीं रहोगे इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, जो वो ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप जो उनके साथ रिश्ते में रहोगे तो आप सेफ नहीं रहोगे, एक चीज़, पहली चीज़। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अलग अलग पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, सो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रिश्ते में रहे तो आप सेफ नहीं रहोगे, आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो सकती है इनके साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इनको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं रहते हो इनके साथ, मतलब कुछ दिन की खुशी रहती है और फिर से वही चीज़ें रिपीट होने लगती है और आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल लो हो जाती है, आप कहीं फोकस नहीं कर पाते हो अपने करियर पर, अपने फैमिली पर, अपने आप में, आपका पूरा फोकस इनकी तरफ रहता है, और ये सोच के भी इंसान जो है रोक रहे अपने आप को, क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टिकल में आए हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, जितना प्यार आप इनसे करते हो, जितना प्यार आप इनको देते हो, उतना ये आपको वापस नहीं कर पाते हैं, चाहते ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं आपके लिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो कहीं ना कहीं आपके साथ ये अन्याय करते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो, बहुत लो हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, जिसका कि गिल्ट इनको फिर रहता है, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, क्यों है डिवाइन यहाँ पे? ओके, ओह माय गुडनेस, क्या ही कहूँ और। देखिए एक्शन जो है, एक्शन में है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो कहीं ना कहीं सारे जो कार्ड्स है वो ऑफर को बता रहे हैं, माफी को बता रहे हैं ना, गुड न्यूज को बता रहे हैं। ये है ना, ये इंसान आपको अपने लाइफ का लकी चार्म मानते हैं, आप इनके लाइफ में जैसे एक कैसे कहूँ, एक होता है ना कि एक लक्ष्मी स्वरूप, एक यू नो या तो फेमिनाइन एनर्जी है आप, या फिर आप एक ऐसे मस्कुलाइन एनर्जी इनके लाइफ में है, जो कि इनके लाइफ में रहने पे इनकी लाइफ बहुत अबंडेंट रहती है, ठीक है। सो ये आपको ऑलरेडी एज हस्बैंड या एज वाइफ आपको देखते हैं ये इंसान, भले आप इनसे मैरिड हो या नहीं हो, लेकिन ये इंसान आपको एज हस्बैंड एज वाइफ देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में रहोगे तो इनको सही रास्ता दिखाना या फिर सही से गाइड करना, इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आना, अबंडेंस आना इनके लाइफ में, सब कुछ अच्छा होता है इनके लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्राइड आ रहा है, एक ईगो आ रहा है यहाँ पे। सो या तो आप ईगो में हो अभी, या फिर आपके पर्सन ईगो में है अभी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ईगो जो है वो आ रहा है, जिसके चलते एक दूसरे को ऑफर नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप इनको ऑफर दोगे, आप लेके आओगे एक्शन, आप इन एफर्ट लगाओगे, और आप ये सोच के बैठे होंगे मैं क्यों जाऊँ, हर बार मैं क्यों झुकूँ, इस बार ये इंसान लेके आएंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो जो है वो रोल प्ले कर रहा है अपना, और ईगो की फाइट यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है, कि तुम पहले आओ, तुम पहले आओ, तुम पहले झुको, तुम पहले झुको वाली एक फाइट यहाँ पे दिख रही है मुझे। ऑफर ये देना चाहते हैं और आप भी ये चाहते हो कि यू नो ये ऑफर दें, या फिर अगर ये नहीं देंगे तो आप ही ऑफर दोगे, लेकिन आप वेट कर रहे हो। एक इमोशनल ऑफर, एक ऐसा ऑफर जिससे कि आप खुश हों, ठीक है, एक पैशनेट एनर्जी जो कि अभी नहीं है इस रिश्ते में, वो एनर्जी लेके आए, आप ये चाहते हो। आप भी ऐसे कॉन्फिडेंस खड़े हो कि ये इंसान आएंगे आपको मनाएंगे, और ये भी कॉन्फिडेंस खड़े कि आप आओगे इनको मनाओगे। सो कहीं ना कहीं एक प्राइड, एक ईगो यहाँ पे ज़रूर, ईगो की फाइट चल रही है मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही टीम वर्क करना चाहते हैं, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज्ड है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते पे, ऑफर नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम, मुझे लग रहा है कि इन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको इस रिश्ते में, आपको बस विश्वास रखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप दोनों के बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। और अगर प्राइड आ रहा है बीच में, तो मैं ये कहूँगी कि जिसकी गलती थी पास्ट में उसको पहले झुकना चाहिए, या आपकी गलती हो तो आपको चुनना चाहिए, अगर आपके पार्टनर की गलती है तो आपको वेट करना चाहिए, उनको आके यू नो आपको सॉरी बोलना चाहिए, या फिर चीज़ों को सही करना चाहिए। यहाँ झुकने की बात बिल्कुल नहीं है, एक रिश्ते में जब दो लोग झुकेंगे तो ही चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन सिर्फ अगर एक झुक रहा है और झुक झुक के यू नो एकदम झुक गए हो आप, तो अब आपको रुक जाना चाहिए, अब आपको वेट करना चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं कि या क्या बोलना चाहते हैं आपसे। प्लीज गाइड डिवाइन, पता नहीं
आवाज़ कैसे आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे पता नहीं, एक मिनट। हाँ काश तेरे मेरे रहते ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है फिर। सो फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यू नो आपको मिस भी कर रहे हैं, इमोशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम माई पास्ट। मैंने बोला ना इनको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट का कुछ कनेक्शन है आपके साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लवर्स की एनर्जी भी है लेकिन वो ऑब्स्टिकल में है। यस, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आई लव एवरी थिंग अबाउट यू, आपका सब कुछ इनको पसंद है। आई क्राइड इन साइड ऑफ मी, मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मून की एनर्जी थी, द मून की एनर्जी। ये इंसान इनकी आंखें भी भरती हैं आपके लिए, आपको सोच के आपको याद करके आंखें नम होती हैं, यू नो इमोशनल होते हैं। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है लाइक बहुत ज़्यादा प्यार अंदर रहेगा लेकिन दिखाएंगे नहीं, वो इतना ज़्यादा स्टबर्न एक एनर्जी है ना कि आराम से वो अपने प्यार को दबा लेते हैं, उनको कुछ उनको यू नो प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती भी है उसको भी वो इंसान मैनेज कर लेते हैं, ऐसी की एनर्जी है। ठीक है, आई क्राइड इन साइड मी, मैंने बोला ना आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, सब होप्स ना इनके ख़त्म हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो कहीं आप कुछ ना कर दें इस रिश्ते में। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। सो आपको अगर चिंता हो रही है तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप इनकी चिंता ना करें, ये खुश हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, अच्छा ये खुश है वाली एनर्जी जो है ना वो ऑब्स्टिकल में है, तो दिखा रहे होंगे ऐसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बिना, यू नो ये सब दिखा रहे होंगे। ये झूठा दिखावा है इनका, मतलब बिना मतलब का दिखावा है। ठीक है, देखिए सही बात नोटिफिकेशन है, आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं ये इंसान, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यू हैव चेंज अलॉट, आप बहुत चेंज हो गए हैं, इनका कहना ये है, आप पहले से नहीं रहे, आप बहुत चेंज हो गए, आप नहीं आ रहे इनको मनाने, ये नाराज़ हैं, आप देख रहे हो इनको तकलीफ हो रही है, आपको पता है, आपको तकलीफ हो रही है आपको पता है, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं और कहीं आप इस रिश्ते से कुछ ना कर दें, इनको ये डर है। ठीक है, इनसिक्योर एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है और बहुत रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वाली एनर्जी है, लेकिन प्राइड अपनी जगह पर है, ईगो अपनी जगह पर काम कर रहा है। ठीक है, सो येस दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर व्यूअर्स, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।